भी शादीशुदा महिला ये नहीं चाहती कि वो अपने पति और परिवार से दूर रहे, लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रिश्तों का समीकरण ही कुछ ऐसा था कि वो ना चाहते हुए भी अलग रहते हैं। दोनों की शादी को 43 साल हो गए हैं और फिर भी हेमा मालिनी उनके साथ नहीं रहती, जबकि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों के साथ रहते हैं। हेमा मालिनी आज तक अपनी सौतन से मिली तक नहीं है और ना ही उनसे कभी बात की है। अब एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में खुलकर बात भी की है। बता दें कि हेमा मालिनी ने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी की थी। उनकी शादी को 43 साल हो गए हैं, फिर भी वो धर्मेंद्र से अलग रह रही हैं, जबकि धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों के साथ ही रहते हैं। वो दूर रहकर दोनों परिवारों के बीच तालमेल बनाए रखते हैं। हेमा मालिनी अक्सर निजी मामलों पर बात करने से बचती हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पति से अलग रहने की वजह बताई थी। बता दें कि हेमा मालिनी ने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र से अपने असामान्य शादी और अलग रहने की वजह बताई। एक्ट्रेस ने कहा था कि कोई भी पत्नी अपने पति से अलग रहना नहीं चाहती, लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें अलग रहना पड़ता है। हेमा मालिनी ने असामान्य हालतों के साथ समझौता कर लिया था, वो गुस्सा नहीं होती। एक्ट्रेस को गर्व है कि उन्होंने बेटियों को अच्छे से पाला पोसा है। वो कहती है कि मैं इसे लेकर खराब महसूस नहीं करती, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। मेरे दो बच्चे हैं जिनकी मैंने अच्छे से परवरिश की है। यकीनन धर्मेंद्र हमेशा हर जगह साथ होते हैं। धर्मेंद्र अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहे हैं। वो अपने बच्चों के समय पर शादी को लेकर भी परेशान रहते थे और उन्हें ये कहकर ढांढस बांधती थी कि सही वक्त और सही व्यक्ति के आने पर ऐसा होगा। वहीं जब ईशा देओल अपने पति भरत तख्तानी से अलग हुई तो धर्मेंद्र को काफी तकलीफ हुई थी और उन्होंने इसे जाहिर भी किया था। धर्मेंद्र और हेमा की जिंदगी में कई मुश्किलें आईं। हेमा के माता पिता धर्मेंद्र से उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो पहले से प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंधे थे और वो भी अलग रहते, पर आपसी प्यार और सम्मान ने उन्हें कभी अलग नहीं होने दिया। हेमा मालिनी ने एक बार बताया था कि वो धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से कभी भी नहीं मिली और ना ही उनसे कभी बात की थी, वो कभी उनके घर भी नहीं गई थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी तुम हसीन मैं जवान के सेट पर एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। हेमा मालिनी ने संजीव कुमार और जितेंद्र की शादी का प्रपोजल ठुकरा कर शादीशुदा धर्मेंद्र से 1980 में शादी की थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े और किस्से और कहानियां जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।